हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। लर्निंग आउटकम पर आधारित गेम सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है कक्षा 8 गणित की, इससे पहले मैंने 40 वर्कशीट जो है कंप्लीट कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम 41 से वर्कशीट से चालू करेंगे। चले बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? हिंदी का सॉल्यूशन और आपकी जो है सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 49 में आप पेन कॉपी लेकर ही बैठे, जिससे आपको भी सॉल्व करने का मौका मिले और आपको उनको सॉल्व भी करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए जरूरी है। पाठ में कहा गया है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो बच्चों, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा याद रखना कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, वो 180 ही होता है, 180 डिग्री, ठीक है? चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, ठीक है? तो बच्चों, इसमें आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। मैंने चांदी की सहायता से अज्ञात कोण एक्स को ज्ञात करें, ठीक है? अब चांदी की सहायता से करें या ना करें, क्योंकि इधर 60 है, इधर 60 है, 60 60 होगा 120, तो बाकी जो बचा होगा वो 60 का ही होगा, याद रखना, तभी 180 हो जाएंगे। अगला है, एक 40 है, एक 60 है, तो दूसरा होगा एक्स, ठीक है? 40 और 60 को हम अगर जोड़ेंगे, 40 को 60 को हम जोड़ेंगे, तो अपने पास बनता है कितना? 100, 100 यानी 180 में से 100 को घटाएंगे तो बचेगा 80। ओके बच्चों, तो वो हमारा आएगा 180, तीनों का जोड़ फिर, ठीक है? चलते हैं, इसमें क्या दिया गया है? हाँ, इधर भी आपको एस बैलेंस है, तीनों जोड़ों का योग 180 होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर हो गया आपका 180, तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 180। इन दोनों को जोड़ देंगे 110 और 30 हो जाएंगे आपके 140, ठीक है? और फिर आप 180 में से उसको माइनस कर दें तो बचेगा सी एंगल बराबर 40 डिग्री, ठीक है? दूसरे में भी ऐसा ही दिया गया है, ठीक है, कि एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री है, 60 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री है, इधर 60 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, 60 को हम इस तरफ रिवर्स करेंगे तो वो घट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स 2x बराबर हो जाएगा 120, तो एक्स बराबर अपना 60 आ जाएगा। इस तरह आप थर्ड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, और बिल्कुल वैसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन में, और फिर आप जो है फिफ्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं। इधर आपको समझने के लिए चीज दी गई है, जो बी एंगल है, यहाँ साइन दिया गया है वो 90 का है, याद रखना। तो जो बी एंगल है वो 90 है, इधर 30 है, तो 9 3 12, तो बाकी बचा 60 एक्स, है ना? तो 180 होता है जोड़। चलते हैं वर्कशीट नंबर 42। बच्चों, वर्कशीट नंबर 42 में आपको इधर पहचानना है कि कौन अंतःकोण है, कौन से बाह्य कोण है, ठीक है, कौन से एकांतर अंतःकोण है और कौन से संगत योग कोणों के युग्म है। इससे पहले वाली की जो वर्कशीट नंबर थी, मतलब वर्कशीट नंबर 35 से लेकर 40 के बीच में आप इस तरह की एक वर्कशीट मिलेगी, जिसमें आपको अंतःकोण, बाह्य कोण, एकांतर और संगत युग्म के कोणों को बताया गया था। ये जो कोण होते हैं वो होते हैं इक्वल, याद रखना, कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उनको आपको समझना जरूरी है। इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें बताया था आप लोगों को। इस वीडियो में, इस जो आपको तालिका दिख रही है, इसमें आप इसी को देख कर भर सकते हैं, ठीक है बच्चों? और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। फिर आपसे कहा गया है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होती है। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 45। बच्चों, वर्कशीट नंबर 43, पेज नंबर 45 में समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कम से कम दो भुजाएं बराबर होती हैं, याद रखना, कम से कम दो भुजाएं बराबर होगी तभी वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है? आपसे यहाँ कहा गया है अभ्यास क्रमांक 5 में कि आप 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज बनाइए, ठीक है, चांदी की सहायता से उसके कोण भी मापिए। तो यदि देखो भाई, यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो अब समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं 60 60 और 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए आंसर में आ जाएगा प्रत्येक कोण की माप जो है आपकी 60 डिग्री की होगी। चलते हैं पेज नंबर 46 पर, पेज नंबर 44 46, वर्कशीट नंबर 44 पर आपको सर्वांग समता दी गई है। आपको मैच करना है कि कौन सा एक जो आकृति है वो मैच कर रही है। कुछ नहीं है, मैंने देखो इधर नाम रख दिया है, मैंने पहले इधर नाम रख दिया ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी और जी तक। अब क्या करें आप,
इसे हमने सही जोड़ी बनाई, आप तो सही जोड़ी बना रहे हैं, मिला रहे हैं, जैसे देखो ये है तो इसको इससे मिला लें, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, जो ई है ना, अब उसको कहाँ मिलाना है वो मैंने यहाँ रख दिया, तो ई को आपको यहाँ मिला, इससे मिलाना था, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं, वो तो आप कर ही सकते हैं। चलते हैं वर्कशीट नंबर 45। वर्कशीट नंबर 45, SSS मतलब साइड साइड साइड, मतलब ऐसी दो आकृतियां जिनमें आपकी साइड 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 इक्वल होंगी, तो भी दोनों आकृति सर्वांग सम होगी, याद रखना, ठीक है। एक नियम है SSS, ठीक है, साइड साइड साइड। देखो बच्चों, ये दो आकृतियां आपको दिख रही हैं, ये आपकी सर्वांग सम है, क्योंकि इसमें देखो चार चार, 5.1 5.1, 6 6, है ना, तीनों बराबर हैं, साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए आपको इधर कहा गया है इसका सर्वांग सम त्रिभुज भी बनाए। तो मैंने देखो सर्वांग सम त्रिभुज बनाया है, आप BC को देखकर बना लें, ठीक है। आप क्या करें, पहले आप प्रकार लें जिसमें पेंसिल फंसा के आपको गोला बनाना पड़ता है। पहले आप नीचे वाली फुट से एक रेखा बना दें 5 सेंटीमीटर की, फिर आप प्रकार से फुट में जो स्केल दिया गया है उसमें नाप है 4.5, किससे, प्रकार से, प्रकार रखकर 0 पर 4.5 दूरी माप लें, और फिर आपको बी पॉइंट पर रखकर आपको इस तरह से आपको बना देना है। यहाँ पर आए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर नाप है स्केल से, फिर आपको इसको चाप बना देना है, और फिर दोनों को आप मिला देंगे, इस तरह से आपका जो है त्रिभुज इसी तरह का बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। वर्कशीट नंबर 46 में आपको SAS नियम के तहत आपको बताया गया है। SAS नियम बच्चों होता है साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। यदि दो त्रिभुजों में दोनों भुजाएं बराबर हैं और कम से कम एक एंगल बराबर है, तो दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। आपको नीचे एग्जाम्पल के रूप में आपको आपको जो है समझाया भी गया है, और इधर आपको करने के लिए दिया गया है। तो मैंने तो एक मैंने जिससे आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है जिस प्रकार से आपको एंगल्स का निर्माण करना है, तो वो आप भी कर दें, और प्रतिबंध का नाम लिखना है तो वो SAS प्रतिबंध के तहत ही सभी जो है एंगल समान होंगे, ठीक है, सर्वांग सम होंगे, SAS नियम मतलब साइड एंगल साइड के तहत, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो पेज नंबर 48। यदि आप कहेंगे सर आप वीडियो बनाकर बताइए कि किस तरह इनका निर्माण करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वर्कशीट नंबर 47 में आपको कहा क्या कहा गया है, सर्वांग समता का प्रतिबंध, मतलब ये नियम है ASA। तो देखो मैंने पढ़ लिया था अपन ने SSS और SAS, और इसमें आ गया आपका ASA मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है, मतलब कि कोण भुजा और कोण। यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो और एक भुजा कम से कम बराबर हो, तो वो दोनों कोण जो हैं सर्वांग सम होंगे, इक्वल होंगे, इस तरह से आपको एग्जाम्पल में नीचे समझाया गया है। फिर आपको जो है बनाने के लिए दिए गए हैं, तो आप इसी को वीडियो पॉज करके बनाएं, ठीक है, और बनाने के लिए मैंने बताया है प्रकार और स्केल की सहायता से जो आप इनको बना सकते हैं। आपको प्रतिबंध का नाम लिखना है कि क्या है, तो ASA मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब इसमें दो एंगल बराबर हैं और एक आपकी जो है भुजा बराबर है। चलते हैं पेज नंबर 50। पेज नंबर 50, वर्कशीट नंबर 48 में आपको प्रत्येक आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, कोई भी त्रिभुज हो उसके दोनों जो एंगल, तीनों एंगल होते हैं 180 के होते हैं। तो आपने मान लीजिए इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, और इसको भी ले लिया एक्स को, तीनों का जोड़ 180 हो जाएगा। अब आप इन दोनों के 120 हो रहा है, तो इसमें से घटा दें 180 में से, तो एक्स बराबर 60 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी हालत यहाँ है। बस थर्ड में आपको समझने के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, क्या कि देखो बच्चों, यदि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, याद रखना चिन्ह दिया गया है, जब भी दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण होते हैं बराबर। अगर ई 70 है तो आपका एक्स भी 70 होगा, याद रखना, क्योंकि भुजाएं तो बराबर ही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, प्रश्न नंबर दूसरा में, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो सर्वांग सम होते हैं, इनको सर्वांग समता प्रतिबंध कहते हैं, याद रखना, सर्वांग सम और सर्वांग समता प्रतिबंध कहते हैं। सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे संगत त्रिभुजाओं और उनके अंतर कोण के बराबर होते हैं, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध को लिखिए, तो ASA मतलब कोण भुजा कोण, ठीक है, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। निम्न आकृतियों में से दो समान आकृतियों को पहचान कर लिखिए, तो इसमें से जो आकृति नंबर आपकी ई है और
आकृति नंबर जो डी है वो आपकी बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे आकृति ए और आकृति डी आपकी समान है। तो वर्कशीट नंबर 49 को अब किसी अन्य वीडियो में हम देखेंगे, इसकी नेक्स्ट वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।